तुम्हारी दीदी से आज फ्रेंडशिप करने वाले थे ना? हाँ पक्की वाली? मुझे सारी तैयारी करनी है ना, अगर परी दीदी आ गई तो मेरा सरप्राइज स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है? ये फूल किस लिए दिखा? काकी जी परिधि के लिए। अब मेरा मतलब देवर जी आज परिधि को सरप्राइज दे रहे हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। सच? देवर जी और परिधि साथ साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं देवर जी को ये फूल देकर आती हूँ। ये सब? वो दरअसल देवर जी आज परिधि को सरप्राइज देना चाहते हैं ना, इसलिए मैं उनके लिए फूल लेकर आई। मैं अभी देकर आती हूँ। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। हाँ दीजिए। ठीक है मिस्टर खन्ना। ठीक। देवर जी बैकयार्ड में। मिस्टर चखना आप यहाँ? और ये लाज? I'm so sorry, ये मेरे हाथ से नीचे गिर गए थे। But don't worry, I will bring another flowers for you. I'm really sorry. नहीं नहीं, it's okay. Fine with this. हेलो, मैं अभी आया। मिस्टर कर, इन्हें क्या हुआ? मुझे जिक से इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी है और यहाँ इतनी ट्रैफिक है, क्या करूँ? फोन करती हूँ। के आते ही लाइट्स ऑफ कर दूंगा, जैसे वो आई था लाइट ऑन करके उसे सरप्राइज दूंगा। देवर जी आपकी तैयारियां हो गई? जी। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए फटाफट ये गाजर का हलवा खा लीजिए। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा, समझ सकते हैं। ऐसा ही होता है प्यार में, भूख प्यास नींद सब कुछ उड़ जाती है ना? अब चलिए, अब ये सब छोड़िए और जल्दी जल्दी खा लीजिए। परिधि तुम आ गई? हाँ, लेकिन जीक्स कहाँ है? देवर जी तुम्हारा बैकयार्ड में इंतजार कर रहे हैं। मिस कॉल परिधि के? एक मिनट। हेलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आई डोंट नो जीक्स, आप ये सुन के कैसे रिएक्ट करेंगे, पर आपको सब सच बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो जिक्स, मैं वो
विवान को पहले से जानती थी। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। आई मीन टू से आई थॉट लाइक दैट आई लव हिम। हमारी सगाई भी हो चुकी थी पर फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने विवान को छोड़ दिया। आपको याद है मैं यहाँ जॉइंट फैमिली पर रिसर्च के ऊपर एक प्रोजेक्ट करने आई थी। सॉरी टू से जिक्स, वो सब एक बहाना था। एक्चुअली मैं अपने रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी पर जब मैं आपसे मिली यहाँ आकर और राशि बहन के जाने के बाद आपकी आंखों में राशि बहन के लिए जो मैंने प्यार देखा, आपको उनके लिए रोते हुए देखा, तब मैं बहुत परेशान हुई थी। मुझे सच में जिक्स मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे आपसे कब प्यार हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप से ज़्यादा किसी और से प्यार कर सकती हूँ। लेकिन इस बीच घर में जो चलता रहा उस वजह से मैं आपको कुछ बता नहीं पाई जिक्स कि मेरा भी एक पास्ट था। पर अब मैं नहीं चाहती कि आपके और मेरे बीच किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जिक्स नाउ इवन यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग मी एंड यू आर केयरिंग फॉर मी जिक्स, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। अपने आप को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। आई लव यू जिक्स। I love you too. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।